आप ये है वो ताल फल, ताल फल का पेड़ हाथ में है। जिनके बीच में दाऊ जी भैया है और माँ रेवती जी यानी कि श्री कृष्ण की भाभी तो बलराम। विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और उनकी भाभी रेवती के साथ में विराजमान है। ऐसा स्थान वहां पर आज हमारे साथ में आप दर्शन करोगे उस स्थान के। और ब्रज 84 कोस का दूसरा वन, वो स्थान जहां पर कि बलराम ने एक गधे के रूप में जो राक्षस था उसको मारा था, और सिर्फ दो राक्षस ऐसे हुए हैं जिनको बलराम जी ने मारा है, बाकी सारे राक्षसों को श्री कृष्ण ने मारा है। तो अगर आप उसका उस स्थान का इस स्थान का अगर आप नाम जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए। अगर आपको पता चल गया है तो, और नहीं पता चल गया है तो आप वीडियो में आगे बढ़िए, हमारे साथ में उस स्थान के दर्शन करिए। तो आज मैं आपको अपने साथ में लेकर आया हूँ, मानसिक रूप से आप मेरे साथ में आए हैं तारसी गांव, जिसको कि तालवन भी बोलते हैं, ब्रज 84 कोस में दूसरा वन है। और इस स्थान पर बलराम ने जो है धनुकासुर नाम के एक राक्षस को मारा था जो गधे के रूप में था, उस राक्षस को मारा था तालवन। और यहाँ पर जो है तालफल के बहुत बड़े बड़े बाग लगे हुए थे, और उस बाग में जो तालफल होते थे उनकी जो है रक्षा करता था वो धेनुकासुर राक्षस, और उन सारे फलों को वो कंस को भेजता था, और जो भी उस फल को खाने की कोशिश करता था तो वो राक्षस मार देता था। अब यहाँ की कहानी क्या है, कैसे उस धेनुकासुर को मारा? तो कहानी ये है कि एक बार श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में बैठे हुए थे रात को, तो उन्हें बड़ी मंद मंद मीठी मीठी सी खुशबू आ रही थी हवा के साथ में। तो जो है बलराम ने और श्री कृष्ण ने पूछा, भाई ये खुशबू आ कहाँ से रही है? जैसे कि हम लोग पूछते हैं कि अरे भाई ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो सखाओं ने बोला कि ऐसे ऐसे एक जगह है तालवन, वहां पर ताल फल है, उनमें से ये खुशबू आ रही है, और वहां पर एक राक्षस है बहुत खतरनाक है। तो बस फिर क्या था, आप तो जानते ही हैं श्री कृष्ण और बलराम जी को, उन्होंने फिर अगले दिन जाने की योजना बनाई। तो अगले दिन जब बलराम और श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यहाँ पर आए, तो सारे सखा जो है वृक्षों के ऊपर चढ़ के फल खाने लग गए। तो धेनुकासुर जो राक्षस था उसको पता चल गया कि भाई कोई आके जो है फल खा रहा है, तो वो आया। तो बलराम जी ने क्या करा, पहले तो उस गधे को मोड़ा और एक लात दी उसको, फेंक दिया दूर। अब उस गधे की इंसल्ट हुई, अब कोई भी हो, इंसान ही क्यों ना हो, कोई अगर थप्पड़ मार दे और भगा दे तो इंसल्ट हो ही जाती है। फिर वो दोबारा आया, दोबारा फिर वही काम करा, फिर त्योहार आया, तो फिर बलराम जी ने उसको उठा के और लंबा फेंक के मारा, और उसकी उस धेनुकासुर नाम के राक्षस की मौत हो गई, और वीरगति तो नहीं, मतलब भगवान की मोक्ष को चला गया। तो इस तरह से धेनुकासुर राक्षस जो है वो मर गया, और उसका जो है यहाँ पर चित्रण भी कर रखा है दीवारों पर, बता रखा है कि जो है किस तरह से जो है धेनुकासुर को मारा है बलराम ने। और मैं आपको बता दूं कि जो ताल फल है वो किस तरह का है, अगर आप लोग अगर कभी कर्नाटक या साउथ में गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि नारियल जैसा छोटा छोटा एक बैंगन जैसा एक फ्रूट होता है, उसको काटते हैं और उसके अंदर से तीन चार कुछ पीस से निकलते हैं, तो ये है। अब क्योंकि यहाँ पर बाग नहीं है वो, और बहुत ही एक दो पेड़ बचे हुए हैं, तो और उनको भी दिखाना ये है कि वहां आगे कोई बगीची है वहां पर है, और उन पर भी वो पेड़, यहाँ पर पेड़ों पर वो फल नहीं लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है ताल फल का बाग होता था, और जब उस गधे को मारा था तो एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पेड़ गिरते चले गए थे, बहुत सारे फल गिरे थे, तो जो है सखाओं ने खूब मस्ती से उनका आनंद लिया था। अब क्योंकि वो जानवर के रूप में था वो राक्षस, और हिरण्यकश्यप के जो है उसमें से था, मतलब एक बहुत अच्छे जो पूजा पाठ वाले फैमिली में से था वो राक्षस, और गधे की तरह था क्योंकि उसको श्राप लगा था एक ऋषि का, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सह मतलब उसके आतंक थे, तो इसलिए उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू गधे की तरह ही रहेगा। तो जब वो मर गया तो बलराम को जो है एक जीव हत्या का जो है वो लगा था पाप, तो उस हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये आप कुंड देख रहे हैं, बलराम जी ने अपने हल से उसको खोदा, क्योंकि आपको पता है बलराम का जो है जो शस्त्र है वो हल है, तो हल से ये खोदा, और खोदने के बाद में इससे पानी नहीं निकला, देख रहे हो, अभी तो खैर इसमें पानी है भी नहीं,
और यहाँ पर कुछ स्थानीय बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि यहाँ पे कभी पानी होता था क्या, कितने साल पहले, मतलब रहता था पानी, ये सूख कब गया है? अभी सूखा अभी सूखा है ये पानी। अच्छा, तो ये हमारे साथ में ये कहानी सुन रहे हैं और मैंने इनसे पूछा है कि ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ ये सही है कि नहीं, तो ये भी यही बोल रहे हैं कि कहानी सही है, इन्होंने भी सुन रखी है ये कहानी, तो इनको पता है ये कहानी ये है। तो फिर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जो है यहाँ पर जो है गंगा मैया का आह्वान किया और गंगा मैया यहाँ पर आई, तो इसको वैत्र गंगा भी बोलते थे, बोलते हैं वैत्र गंगा। तो अगर आप को मैं बता दूं यहाँ पर कि ब्रज क्षेत्र में सारे, आपको जैसे पता है कि सारे यहाँ पर धाम है और ब्रज क्षेत्र के अंदर दो गंगा हो गई, एक मानसी गंगा जो कि गोवर्धन में है और एक वैत्र गंगा यहाँ पर, तो सारे यहाँ पर तीर्थ हैं। तो आप देख लीजिए, जरा सोचिए कि दो गंगा हो गई इस तरह से, क्योंकि तो ये आह्वान करके बुलाई है, तो इसलिए वो गंगा का वो वाला स्वरूप नहीं है, पर ब्रज क्षेत्र में आप ये मान लो कि दो गंगा हो गई। तो मैं ये आपको कहानी बता रहा था कि कैसे जो है धेनुकासुर का जो है आतंक खत्म हुआ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर चित्रण कर रखा है, जो है दीवार पर ये चित्रण कर रखा है कि देखो ये यहाँ पर ये धेनुकासुर है, गधे के रूप में ये बना हुआ है, गधे के रूप में इसका पैर पकड़ा है और ये पैर पकड़ के ये हवा में उछाल के मार दिया पेड़ के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कहानी में कि पेड़ के ऊपर मारा है और फिर सारे पेड़ गिर गए। और आप देख सकते हैं कि सखा जो है पेड़ के पकड़ के बैठे हुए हैं, यहाँ पे दो तीन सखा जो है वहां पेड़ पर चढ़कर ताल फल खा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस पूरी कहानी का चित्रण कर रखा है और बहुत ही प्राचीन स्थान है ब्रज 84 कोस का, ये दूसरा वन है ताल वन, उस और सबसे पहला जो वन है वो मधुवन है जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी है, दूरी पर है गांव महोली में। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे बलराम जी का, बलराम जी क्योंकि उनके पीछे जो है शेषनाग है, और ये यहाँ पर भी ये ऐसे दिखा रखा है, ये धेनुकासुर इस तरह से यहाँ पर मारा गया। और अंदर मंदिर में जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जो मूल जो प्रतिमाएं हैं वो दूसरे स्थान पर हैं, अंदर जो है मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पर हर साल मेला भी लगता है भैया, यहाँ पर मेला लगता है ना यहाँ पर? अच्छा, यहाँ नहीं लगता? नहीं, यहाँ पे मैंने सुना है कि कोई मेला लगता है जिसमें जैसे बलराम। तो यहाँ की कहानी आपको तो पता होगी, कैसी कहानी, वो ये धेनुकासुर नाम के राक्षस को मारा हुआ। अच्छा, आपको इसके जो जैसे आपके गांव में तापसी में ये इतना बड़ा मंदिर बना, इसकी पता है कितनी, मतलब कितनी दूर दूर से लोग आगे यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे काफी दूर से लोग आते हैं, काफी दूर से आते, रोज कम से कम 100-200 गाड़ी पड़ रहे आती है। मतलब यहाँ पे अभी यहाँ पे काम चल रहा है मंदिर, मतलब मंदिर बंद चल रहा है, मंदिर बंद है, बंद चल रहा, मतलब कम दर्शन के लिए, कम साफ सफाई और वो सब। वो क्या है कि नीचे पड़ गया तो वो ऊपर उठ गया। आओ तो आप मंदिर को बाहर से देखते हैं, तो ये देख सकते हो आप, ये है वो ताल फल, क्योंकि इस पर है नहीं तो ये नीचे पड़ा मिला है, बच्चे तोड़ काओ के बच्चे लिए तोड़ के ले जाते हैं, तो ये ताल फल है। और ये ताल फल का पेड़ है, ये देख सकते हो आप कितना बड़ा और कितना अलग सा पेड़ लग रहा है, ये बहुत ही अलग सा पेड़ है ये ताल फल। और इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे पेड़ होते थे अपने टाइम पर, इस तरह के बहुत बड़ी संख्या में पेड़ होते थे और इन पर फल लगे रहते थे इस तरह के जो मैंने अभी आपको दिखाए, और इनकी रक्षा करता था और वो कंस को देता था। तो तालवन धाम तारसी श्री दाऊ जी महाराज का ये मंदिर, और यहाँ पर ये कहानी आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है कि किस तरह से जो है दुष्ट कंस का जो मित्र था राक्षस धेनुकासुर, और अंदर मंदिर में हम चलते हैं, अभी जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, और दूसरे स्थान पर जो है मूल प्रतिमा रखी गई है, और यहाँ पर जो जगह है जहां पर जो है मूल प्रतिमा थी अभी इसको तोड़ के फिर से सही करा जा रहा है, और तब तक जो है दूसरी जगह पर इनकी प्रतिमा रखी हुई है। हाँ, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कब तक?
अच्छा कब तक हो जाएगा शुरू? 4 से 6 दिन के बाद फिर वहीं पे कर देंगे स्टाफ। अच्छा पूरा बनेगा ये? अच्छा दोबारा फूल। तो यहाँ पर देखो श्री कृष्ण लेफ्ट हैंड साइड में काले रूप में, मुरली हाथ में, जिनके बीच में दाऊ जी भैया है और माँ रेवती जी यानी कि श्री कृष्ण की भाभी बलराम जो भगवान है उनकी वाइफ। तो ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण अपने भैया और भाभी के साथ में विराजमान है। विश्व का इकलौता मंदिर ताल वन जो कि वृक्ष 84 कोस का दूसरा वन है। तो आज आपने दर्शन करे हैं ताल वन के, वृक्ष 84 कोस का दूसरा वन, ब्रज से जुड़े हुए आप जो है तीर्थों के स्थान और राधा कृष्ण की कहानियां जानने के लिए ब्रज दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब करिए और ब्रज दर्शनम चैनल से जुड़िए। ऐसे ही आपको मैं किसी और वीडियो में मिलूंगा ऐसे किसी प्राचीन स्थल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।